आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हल षष्ठी या हर छठ का व्रत शिव की नगरी सहित संपूर्ण सिवनी जिले में धूमधाम के साथ परंपरागत उत्साह धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में धूमधाम से मनाया गया हर छठ व्रत। हर छठ पर्व पुत्रों की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने माताओं ने रखा व्रत। घर घर पर हुई पूजा अर्चना। संतान की दीर्घायु और माताओं के द्वारा अपने संतानों की दीर्घायु सुख समृद्धि की कामना को लेकर रविवार 25 अगस्त 2024 को हर छठ का व्रत, हल षष्ठी का व्रत, हल षष्ठी का पर्व और हर छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माताओं ने घर के आंगन में सगरी बनाकर हल षष्ठी माता व भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की तथा पसहार चावल का सेवन कर व्रत को पूर्ण किया। भादौ मास में भाद्रपद मास में कृष्ण षष्ठी को प्रतिवर्षानुसार मनाए जाने वाले हल षष्ठी का पर्व सिवनी शहर सहित पूरे जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पूजा पाठ की तैयारी को लेकर महिलाएं सुबह से ही जुटी रहीं। एक दिन पूर्व पूजन सामग्री बाजार से खरीदी गई। बच्चों की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामनाओं को लेकर माताओं के द्वारा इस व्रत को रखा गया। हल षष्ठी के दिन प्रमुख रूप से भगवान कार्तिकेय की जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं काफ़ी तादाद में व्रत रख कर पूजन अर्चन करती रहीं। घरों के अलावा देवालयों में पूजा पाठ का दौर सुबह से ही लगातार जारी रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम परंपरागत उत्साह धार्मिक भावनाओं के साथ मनाया गया। माताएं इस दिन पूजा सामग्री के रूप में नारियल अगरबत्ती कुमकुम बंदन चंदन फलाहार के साथ लाई चना मूंग गेहूं अरहर दोना पत्तल सहित 7 प्रकार के अनाज चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पूजा में महुआ के बीज दही घी खाकर पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाती है। पूजा अर्चना घरों में के लोगों के घरों के अलावा सिवनी के देवालयों में विशेष रूप से मठ मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर शहर में जितने भी दुर्गा माता के देवालय सहित लगभग सभी देवालयों में इस व्रत की पूजा अर्चना सुबह से ही आरंभ हो गई थी और जो दिन भर चलती रही है। अनेक स्थानों पर घरों में भी सामूहिक रूप से सैकड़ों महिलाएं एकत्र हुईं और बड़ी तादाद में महिलाएं एकत्रित हुईं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से उनके द्वारा कामना मांगी गई। यहाँ देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में पूर्व में भी इस व्रत को कैसे रखा जाए, इस व्रत का क्या महत्व है, इस सारी जानकारी को आप सभी के साथ साझा किया जा चुका है। महिलाएं सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना में पूरा दिन लीन रहीं। वैसे भी शिव की नगरी में धर्म का बोलबाला है, धर्म की बहुत जयकार होती नजर आती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। छोटे बच्चे महिलाएं सभी इसमें सहभागिता सभी के द्वारा की गई। पूरे विधि विधान से महिलाओं के द्वारा हल षष्ठी और हर छठ व्रत की पूजा की गई। लोगों के द्वारा अपने घरों में, घरों के अलावा देवालयों में जाकर हल षष्ठी का पर्व मनाया गया, हर छठ का व्रत किया गया।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। महिलाओं के द्वारा अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना को लेकर इस व्रत को किया गया। इस दौरान व्रत की कथा भी बहुत चाव से, बहुत ध्यान लगाकर महिलाओं के द्वारा सुनी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।